डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीवर में अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन। लीवर, नाउ व्हाट इज द लीवर? ए लीवर इज अ रिजिड रॉड और बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फुलक्रम। लीवर क्या है? एक रिजिड रॉड या बार है कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट कॉल्ड फुलक्रम, जो कि एक फिक्स पॉइंट फुलक्रम पर टर्न कर सकती है। ये जो फुलक्रम पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये रिजिड बार या रॉड टर्न हो सकती है। इट इज़ यूज एज ए मशीन। ये एक मशीन की तरह कार्य करती है। टू लिफ्ट ए लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉल इफोर्ट। टू लिफ्ट द लोड, ये डब्ल्यू लोड है, ये इफोर्ट है। तो इस डब्ल्यू लोड को उठाने के लिए ये पी जो है इफोर्ट, ये कार्य करता है यहाँ पर। इट इज यूज एज ए मशीन टू लिफ्ट ए लोड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉल इफोर्ट। ये स्मॉल इफोर्ट लगा करके हम अधिक लोड को उठा सकते हैं। द रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द इफोर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। द रेशो ऑफ लोड लिफ्टेड, लोड लिफ्टेड क्या है? डब्ल्यू। लोड लिफ्टेड और इफोर्ट अप्लाइड पी, इन दोनों का जो रेशियो है डब्ल्यू अपन पी, दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज। ये मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। ए लीवर में भी स्ट्रेट और कर्व। लीवर जो है, ये लीवर है, ये लीवर स्ट्रेट भी हो सकता है और ये कर्व की फॉर्म में भी हो सकता है। मे बी एंड द फोर्सेज अप्लाइड मे बी पैरेलल और इंक्लाइन टू वन अनदर। और जो फोर्सेज हैं इस पर, वो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं या इंक्लाइन भी हो सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लीवर वर्क इज सेम एज दैट ऑफ मोमेंट। लीवर वर्क का जो प्रिंसिपल है वो मोमेंट की तरह होता है। अब फिगर एक में देखिए, इन फिगर वन द पॉइंट्स ए एंड बी फ्रॉम विच लोड डब्ल्यू एंड इफोर्ट पी इज अप्लाइड। अब ये जो फिगर एक है, स्ट्रेट लीवर का जो फिगर है, इस फिगर में पॉइंट ए और पॉइंट बी, इस पॉइंट ए पर तो लोड डब्ल्यू लग रहा है और पॉइंट बी पर हम इफोर्ट पी लगा रहे हैं। F इज द फुलक्रम अबाउट विच द लीवर इज कैपेबल ऑफ टर्निंग। और ये F पॉइंट है, ये फुलक्रम पॉइंट है जिस पर कि ये टर्न कर रहा है। F इज द फुलक्रम पॉइंट अबाउट विच द लीवर इज कैपेबल ऑफ टर्निंग। इस F पॉइंट पर जो लीवर है वो टर्न करता है। जब P इफोर्ट यहाँ से लगाएंगे तो ये W ऊपर उठेगा इस F पॉइंट के सापेक्ष, इस F पॉइंट पर। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ए एफ इज लोड आर्म। ये एफ जो है ये तो लोड आर्म है और जो बी एफ है दिस द इफोर्ट आर्म। तो ये ए एफ को तो हम लोड आर्म कहेंगे और बी एफ को हम इफोर्ट आर्म कहेंगे। तो यहाँ पर ये इफोर्ट लग रहा है और यहाँ पर लोड लग रहा है, तो इसलिए लोड आर्म हो गई। और ये यहाँ पर इफोर्ट लग रहा है तो ये इफोर्ट आर्म है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट के सिद्धांत के अनुसार W into L1 is equal to P into L2. W into L1, W load जो लिफ्ट किया जाएगा वो W load है, into perpendicular distance, W के जो perpendicular distance है वो L1 है। तो W into L1 is equal to P effort। effort कितना लगा रहे हैं? ये effort into इसके perpendicular distance, इफोर्ट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2, तो L2 से P को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा P इंटू L2। तो यहाँ पर W इंटू L1, W इंटू L1, लोड इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इफोर्ट अप्लाइड इंटू L2। अब इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि P को W के नीचे ले जाएं और L1 को L2 के नीचे ले जाएं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा W upon P is equal to L2 upon L1। अब ये W upon P क्या होगा? W upon P is the mechanical advantage। The ratio of load lifted to the effort applied is called the mechanical advantage। This is the ratio of load lifted to the effort applied। So now mechanical advantage is what? Load lifted to the effort applied। It's the ratio of, ये क्या ratio है? Load lifted to the effort applied। इन दोनों का जो रेशियो है, दिस इज द मैकेनिकल एडवांटेज। एंड विच इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, विच इज द लीवरेज।
L2 is the effort distance, DF is the effort distance, effort arm, you know, BF is the effort arm, or which is L2, or L1 kya hai, this is the load arm, ye load arm hai F to A, ye load arm hai, to L2 upon L1, to ye hua leverage. The ratio of the effort arm to the load arm, inka jo ratio hai, effort arm to the load arm, iska jo ratio hai, this is the leverage, or you can say L2 upon L1 is the leverage. Now application of levers, levers ke application. In the first type of levers, अब यहाँ पर तीन तरह के लीवर्स बताए हुए हैं. फिगर 2A में फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है, सेकंड में ये सेकंड टाइप का लीवर है, और ये थर्ड टाइप का लीवर है. अब इनमें हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप का जो लीवर अरेंजमेंट है उसमें फुलक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड इफोर्ट. यहाँ पर जो फुलक्रम है वो लोड और इफोर्ट इन दोनों के बीच में है. इससे क्या होता है, द इफोर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म. यहाँ पर जो ये इफोर्ट आर्म है बी एफ, जिसकी एल टू डिस्टेंस है, ये लोड आर्म एफ ए, जिसकी डिस्टेंस एल वन है, उससे ज़्यादा है. इट मीन्स एल टू इज ग्रेटर देन एल वन, मीन्स इफोर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म. इफोर्ट आर्म जो है वो लोड आर्म से बड़ी है. जब इफोर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ी होगी तो L2 अपन L1 इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पर जो L2 अपन L1 है ये एक से ज़्यादा होगा. देयरफॉर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑब्टेन इज मोर देन 1. इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है इसमें एक से ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं. फाउंड इन बेल क्रैंक लीवर्स, ये बेल क्रैंक लीवर्स में उपयोग में लिया जाता है, जिसको कि यूज्ड इन रेलवे सिग्नलिंग अरेंजमेंट, जिसे कि रेलवे के सिग्नलिंग अरेंजमेंट जो होता है उसमें ये काम में आता है. रेलवे का जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट होता है उसमें बेल क्रैंक लीवर्स लगे हुए होते हैं, और ये बेल क्रैंक लीवर्स जो है ये फर्स्ट टाइप के लीवर्स की तरह होते हैं, जिसमें कि मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होता है. इसके अलावा रोकर आर्म इन आईसी इंजन, आईसी इंजन के जो रोकर आर्म होती है उसमें इसका एप्लीकेशन होता है. हैंडल ऑफ ए हैंडपम्प, हैंडपम्प का जो हैंडल है उसमें इस अरेंजमेंट को काम में लेते हैं. हैंड व्हील्स ऑफ ए पंचिंग प्रेस, पंचिंग प्रेस का जो हैंड व्हील है उसमें ये अरेंजमेंट होता है. बीम ऑफ ए बैलेंस, बैलेंस जो तराजू होती है उसका जो बीम होता है उसमें ये अरेंजमेंट होता है. फुट लीवर, फुट लीवर जो पैरों का जो लीवर होता है, पैर के द्वारा जो ऑपरेट किया जाता है लीवर, उसमें भी ये अरेंजमेंट होता है. इन सेकेंड टाइप ऑफ लीवर्स, दूसरे प्रकार के जो लीवर्स होते हैं, द लोड इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड इफोर्ट. इसमें जो लोड है, ये लोड जो है ये फुलक्रम, ये फुलक्रम है और ये इफोर्ट पॉइंट है. तो ये फुलक्रम और इफोर्ट के बीच में इसमें लोड होता है. तो जब यहाँ इफोर्ट लगाएंगे तो ये लोड उठेगा. नाउ इफोर्ट आर्म इज मोर देन लोड आर्म. नाउ हियर ऑल्सो दिस इज द इफोर्ट आर्म बी एफ, दिस बी एफ जिसकी डिस्टेंस एल टू है, ये एल टू डिस्टेंस L1 डिस्टेंस से ज़्यादा है. AF इज द लोड आर्म डिस्टेंस. तो यहाँ पर इफोर्ट आर्म डिस्टेंस जो है L2, ये L1 से ज़्यादा है. तो जब L2 L1 से ज़्यादा है तो मैकेनिकल एडवांटेज L2 अपॉन L1 विल बी ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पर L2 अपॉन L1 जब एक से ज़्यादा है तो ये यहाँ देयरफॉर द मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होगा. तो ये अरेंजमेंट भी अच्छा अरेंजमेंट है
जिसमें कि मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा है। इसलिए फाउंड इन लीवर्स ऑफ लोडेड सेफ्टी वाल्व, इसको हम जनरली लोडेड सेफ्टी वाल्व हैं उसमें ये अरेंजमेंट काम में लिया जाता है। इन थर्ड टाइप ऑफ लीवर्स, तीसरे प्रकार का जो लीवर है, द इफोर्ट इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड लोड। यहाँ पर जो इफोर्ट है, ये जो इफोर्ट है, ये इफोर्ट जो है वो फुलक्रम पॉइंट ये है और ये लोड पॉइंट है। तो ये फुलक्रम पॉइंट और लोड पॉइंट के बीच में ये इफोर्ट पॉइंट है। यहाँ पर इफोर्ट लेंथ जो है ये L2, ये लोड लेंथ से कम है, L2 इज लेस देन 1, L2 इज लेस देन L1। तो जब L2 L1 से कम है, सिंस द इफोर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, इफोर्ट आर्म जो है, दिस इफोर्ट आर्म L2, BF इज द BF जिसकी लेंथ L2 है वो कम है L1 से, L1 जो कि लोड आर्म है AF, इससे ये कम है। तो सिंस द इफोर्ट आर्म इज लेस देन लोड आर्म, यहाँ जो इफोर्ट आर्म है वो लोड आर्म से कम है, देयरफॉर द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1। इसलिए यहाँ पर भी, यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एक से कम होगा। और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में इस तरह के मैकेनिकल एडवांटेज यदि कम है तो वो प्रेफर नहीं किए जाते। लेकिन इसका एग्जांपल जो है, ए पेयर ऑफ टंग्स चिमटे में का, चिमटे का जो जोड़ा होता है उसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है। इसके अलावा द ट्रेडल ऑफ ए स्विंग मशीन, सिलाई मशीन का जो पायदान होता है उसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है। नाउ रेफरेंसेस, ए टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिजाइन बाय आर एस खुरमी एंड जे के गुप्ता, और दूसरा रेफरेंस है फ्रॉम इंटरनेट। थैंक्स।